तो दोस्तों, रिसेंटली अक्षय कुमार ने अपनी एक और अपकमिंग मूवी को स्टार्ट कर दिया है जो एक साउथ की मूवी का हिंदी रीमेक है। दोस्तों, साल 2020 में अमेजोन प्राइम पर एक तमिल लैंग्वेज फिल्म को दिखाया गया था जिसका टाइटल था सोराराई पोट्रू। उस टाइम इस फिल्म को OTT पर बहुत पसंद किया गया था और IMDB की तरफ से इस मूवी को 9.2 रेटिंग मिल चुकी है। एंड गाइज, अब इस मूवी का हिंदी रिमेक होने जा रहा है और अक्षय कुमार इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे। सोराराई पोट्रू के लीड रोल में साउथ के फेमस सुपरस्टार सूर्या को देखा गया था और अब अक्षय कुमार ने इस मूवी के हिंदी रिमेक के लिए शूटिंग स्टार्ट कर दी है। इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ इंडियन एक्ट्रेस राधिका मदान भी नजर आएंगी जो इनकी वाइफ का रोल पे करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, इस मूवी को सोराराई पोट्रू मूवी के ही डायरेक्टर सुधा गंगारा डायरेक्ट करने जा रहे हैं और इस मूवी को सूर्या और उनकी वाइफ ज्योतिका खुद प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेकर्स की तरफ से एक फर्स्ट अनाउंसमेंट का पोस्टर भी आउट किया गया है जिसमें अक्षय कुमार का शेडो देखने को मिला है और अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शूटिंग की एक वीडियो भी पोस्ट कर दी है। दोस्तों, आपको बताते चलूं, अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये मूवी हिंदी डबिंग में अवेलेबल है बट फिर भी इस मूवी का हिंदी रिमेक किया जा रहा है। तो क्या ये मूवी सक्सेसफुल हो पाएगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं। वेल, लास्ट में बात कर ली जाए इस मूवी की रिलीजिंग की, तो दोस्तों फिलहाल मेकर्स की तरफ से इस मूवी की रिलीज डेट को फाइनलाइज्ड नहीं किया गया बट हो सकता है ये मूवी इस साल के लास्ट या 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाए। वेल, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसा ही कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।